भाषा। हम लोग राजस्थान में जब एक बार घूम रहे थे आज से 20-25 साल पहले इन किताबों की तैयारी में, तो एक संस्था ने बहुत दुख के साथ हमसे कहा कि यहाँ हम 20 साल से प्रौढ़ शिक्षा का काम करते हैं, लोग सीखने ही नहीं चाहते। तो मैंने उनसे पूछा क्या नहीं सीखना चाहते, उन्होंने कहा इनको चार दिशाओं के नाम याद नहीं करा पाए हम। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी दिशाएं, तो उन्होंने बिल्कुल मूर्ख मान के कहा अरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो मैंने कहा इनकी अपनी बोली में 8 दिशाएं हैं, हमसे कितने ज़्यादा जानकार हैं वो। 8 के बाद एक वृद्ध सज्जन ने हाथ उठा के कहा कि 10 दिशाएं हैं, हम पाताल और स्वर्ग को भी एक दिशा मानते हैं। तो हम तो अपनी भाषा में 4 दिशाओं में संतुष्ट हो गए और उनके पास 8 नहीं 10 दिशाओं का बोध है, लेकिन हम उनको अपना नहीं मानते। इसलिए आपने शुरू में देखा कि कोई औपचारिकता नहीं हुई, ये कृष्ण कुमार जी का योगदान है इस कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि कोई माला वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अच्छी बातचीत होनी चाहिए, इसलिए अच्छी बातचीत से इसको समाप्त करना चाहिए। और वैसे धन्यवाद देने के लिए तो मैं इतना कहूँगा कि आज दिल्ली में गांधी जी के निमित्त सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं, आपने उन सब के बीच में से कई कार्यक्रम तो इसी समय टकराते हैं, फिर भी इस आंगन में आना तय किया, हम लोग हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। आप सभी मित्र चाय पे आमंत्रित हैं। एक सूचना है, स्टूडेंट्स ऑफ फ्री तिब्बत के कुछ स्वयंसेवक बाहर खड़े हैं, जो तिब्बत में आत्मदाह की परिस्थिति पैदा हुई है और मानवाधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है उससे संबंधित मांग पत्र लेकर के, उस पर आप सबों से निवेदन है कि आप हस्ताक्षर करेंगे।